वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की एक अपकमिंग एमपीवी जिसका नाम रहने वाला है मारुति सुजुकी इन विक्टो। इस गाड़ी के बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि इस गाड़ी में आपको एक्सटीरियर से कौन सी लुक्स एंड फीचर्स देखने को मिलेंगी, उसके साथ इंटीरियर फीचर्स, इंजन वाइज, सेफ्टी वाइज, एंड इस गाड़ी का प्राइस क्या रहने वाला है, एंड ये गाड़ी कब लॉन्च होगी। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएं। उससे पहले मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पे करते हैं अपने वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की। जैसा कि आप इस गाड़ी की फर्स्ट लुक देख ही पा रही हैं, और आप सोच रहे होंगे कि इसकी लुक्स आपको टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की तरह देखने को मिलती है। सो जी हाँ, ये सच बात है। जैसा कि आप जानते हैं आज की रेट में टोयोटा एंड मारुति के बीच में पार्टनरशिप है, एंड ये एक दूसरे की गाड़ियाँ कॉपी कर सकता है। पर अभी तक टोयोटा ने मारुति की काफ़ी गाड़ियाँ कॉपी करी हैं जैसे कि ब्रेजा एंड बेलेनो, पर मारुति ने टोयोटा की अभी तक कोई भी गाड़ी कॉपी नहीं करी। सो अब 2023 में मारुति की बारी, एंड मारुति ने अपनी जो पहली गाड़ी चूज़ करी है वो है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस। सो अब बात करते हैं आपको मारुति इनविक्टो एंड टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे। छोटे डिफरेंस भी है एंड बड़े डिफरेंस भी है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, आपको मारुति इनविक्टो में नेक्स्ट 3 डीआरएल्स देखने को मिलेंगे जैसे आपको नेक्सा की गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, उसके साथ फुल LED हेडलैम्प्स। बाकी ग्रिल आपको सेम ही देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं इसके बम्पर में। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बस आपको न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मारुति इनविक्टो में। बैक लुक की बात करें, बैक में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बस आपको टोयोटा के लोगो की जगह मारुति का लोगो देखने को मिलेगा, बाकी बम्पर में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस होने वाली है। रूफ़ की बात करें, रूफ में आपको इस गाड़ी में सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे एज टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, जैसे कि बड़ा फुल पैनोरामिक सनरूफ इंक्लूडिंग शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स। सो ये बात कर ली हमने इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की, एंड मारुति इसकी ऑलरेडी बुकिंग्स लेना भी चालू कर चुका है। आप केवल 25,000 रुपये से आप मारुति इनविक्टो बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मारुति इनविक्टो के इंटीरियर की। जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, ये मारुति इनविक्टो का इंटीरियर होने वाला है जिसमें आपको पहला चेंज ये देखने को मिलेगा, इसका स्टेयरिंग व्हील का लोगो अब आपको मारुति का देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको इसमें भी वही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, सेमी डिजिटल। उसके साथ आपको वही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, एंड वही सेम फीचर्स इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक AC विद रियर AC वेंट्स। अगर बात करें सीटिंग कैपेसिटी की एंड सीटिंग लेआउट की, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल जाएगी इन मारुति इनविक्टो। सो इस गाड़ी में आपको इंटीरियर में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बस आपको लोगो का फ़र्क देखने को मिलेगा। उसके साथ अगर बात करें मारुति इनविक्टो के सेफ्टी फीचर्स की, आपको इस गाड़ी में भी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की तरह 6 एयरबैग्स, ABS, ABD, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे ढेर सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि आपको मारुति इनविक्टो में ADAS देखने को मिलेगा या नहीं। सो जी हाँ, आपको मारुति में भी अब ADAS देखने को मिलेगा, यानी कि मारुति इनविक्टो पहली MPV होने वाली है मारुति की, यानी कि मारुति की पहली गाड़ी जिसमें आपको ADAS देखने को मिल जाएगा। सो अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, क्या आपको इस गाड़ी में मारुति का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, या फिर मारुति का टर्बो पेट्रोल इंजन, या फिर हाइब्रिड इंजन। सो इस गाड़ी में आपको बिल्कुल सेम पावर ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में देखने को मिलती है, यानी कि इंजन में भी कोई भी फर्क नहीं होने वाला। बेसिकली आपको मारुति की गाड़ी में टोयोटा का इंजन देखने को मिल जाएगा। मारुति अपना कोई भी इंजन यूज़ नहीं करेगी इन मारुति इनविक्टो। ये गाड़ी बेसिकली सेम टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस होने वाली है, बस आपको लोगों का फ़र्क देखने को मिल जाएगा, बाकी कुछ खास फर्क नहीं होने वाला। सो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, आप 25,000 रुपये से ये गाड़ी बुक करवा सकते हैं, एंड अगर मैं लॉन्च डेट की बात करूँ, ये July 5, 2023 को इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, यानी कि टोटली अनरिवील। बाकी प्राइसेस भी इसके जल्द रिलीज हो जाएंगे, जैसे ही 5 जुलाई होगी उसके एक दो दिन या 5 जुलाई को ही इस गाड़ी के प्राइसेस रिलीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं, एंड इसके प्राइस के बारे में। सो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के प्राइस के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं ये टोयोटा का प्रोडक्ट है,
इस गाड़ी में आपको 100% टोयोटा के पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड जब टोयोटा इस गाड़ी को मारुति को आगे रीसेल करेगा, वो अपना मार्जिन भी रखेगा एंड मारुति भी आगे अपना मार्जिन रखेगी। सो मेरे हिसाब से ये गाड़ी एक्सपेंसिव होने वाली है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। इसके साथ एक सोचने वाली बात ये है कि आज की डेट में भी आप अगर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस बुक करवाने जाते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा बुकिंग पीरियड फेस करना पड़ता है। एंड अब जब टोयोटा आगे इस गाड़ी को मारुति को भी सेल करेगा, सो वो इसकी डिमांड कैसे पूरी करेगा, वो सोचने वाली बात है। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट मारुति इनविक्टो। कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट करके बता देना। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है वो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।